Today we will discuss about solar steam, which is in unit 6 part 1st and subject code is EE207. My name is Narendra Kumar Saini, a lecturer in electrical engineering, Government Polytechnic College, ALWAR. So first of this is the diagram of solar steam. First of all, we see that what is solar steam. Solar definition of solar steam. Solar steam is green energy product that uses the natural energy of the sun to purify water. Means in solar steam में हम सूर्य के energy को use करके पानी को purify करते हैं. ये और जो energy एक तरह से इसको green energy product भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो और कोई भी अपन fuel use नहीं कर रहे हैं, केवल solar energy use कर रहे हैं, ना fossil fuel वगैरह, जिससे पोल्यूशन भी जीरो है. ओके, देन सोलर स्टील की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम पर. डायग्राम ये एक कंटेनर है पूरा का पूरा. इस कंटेनर में ये जो सीट है ये ग्लास सीट है और ट्रांसपेरेंट सीट है. ये कंटेनर है, इसमें जो वाटर है ये कंटेनर मीन्स इम्प्योर वाटर है. इस इम्प्योर वाटर, ये इम्प्योर वाटर है और ये जो लाल ड्रॉपलेट्स में दिख रहा है ये अपना प्योर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं. ये वाटर इसको इस कंटा इस जो बॉक्स है या इक्विपमेंट है ये थोड़ा टिल्टेड, जो ट्रांसपेरेंट सीट है वो थोड़ी टिल्टेड रहती है ताकि ड्रॉपलेट सीधे सीधे इस वाटर में जो प्योर वाटर वाले पोर्ट में सीधे आकर गिर जाए. इस जो इक्विपमेंट है इसमें ये ओवरफ्लो लाइन है, मीन्स जब वाटर इस यहाँ से इनपुट डालेंगे वाटर का, या ज़्यादा वाटर हो जाता है एक लेवल से ज़्यादा तो ये वाटर बाहर चला जाता है. इस ये नीचे की ओर इसकी जो सतह है इसको ब्लैक एंड किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य किरणों को ये एब्जॉर्ब कर सकें. दूसरा, इसके साथ साथ ये जो सरफेस है ये इंसुलेशन इंसुलेटेड सरफेस है ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो. इसके बाद देखेंगे ये वाटर जो है जो अपना गर्म जो इम्प्योर वाटर फील्ड है. अब जैसे ही सूर्य की वेव्स इस पर पड़ती है ट्रांसपेरेंट सीट पर, ट्रांसपेरेंट सीट से ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके वाटर में आती है जो अपना इम्प्योर वाटर है. इम्प्योर वाटर इसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने में ये वेपर में कन्वर्ट होती है. वेपर में कन्वर्ट, ये इवेपरेशन हो रहा है इसका, वेपर में कन्वर्ट होती है. वेपर कन्वर्ट होकर ये ऊपर उठती है. ऊपर उठती है तो जो ट्रांसपेरेंट सीट है उसकी जो सीलिंग है उस पर जाके ये जमा हो जाती है ड्रॉपलेट्स के रूप में. ये ड्रॉपलेट्स जैसे ही जमा हो जाते हैं धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स खिसकते हैं, क्योंकि ये टिल्टेड है सतह तो खिसकते हुए ड्रॉपलेट्स सीधे सीधे आके इस पोर्ट में इकट्ठा, ये पानी के फॉर्म में स्पॉट में इकट्ठा होता रहता है, जिसको हम इस प्योर वाटर आउटलेट जो है नल के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं. ये हमारा जो वाटर है पूरा प्योर वाटर है. अब ये इसका पूरा इक्विपमेंट हो गया. वर्किंग भी आपको बताई कि जितनी ज़्यादा सोलर रेडिएशन इसमें एंटर करेंगी, इसको ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा गया है ताकि सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्शन सीधा सीधा पानी में चला जाए, पानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे. ये सतह अपन ब्लैक रखते हैं. ब्लैक रखने का कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्बेशन करे ये सतह. जितना ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही जल्दी ये टेम्परेचर इसका अप हो. मेन इसमें जो चीज़ हो रही है कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन. ये जो स्टेज है जब ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है पानी, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसमें इवोपरेशन होता है. देन सेकेंड स्टेज आती है इसकी कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मीन्स जब ये वेपर भाप पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो इस सतह से टकराता है. इस सतह पर टकराएगा तो इस सतह पर टकराने पर ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के कारण जैसे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा और ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर, क्योंकि सतह टिल्टेड है, वह ड्रॉपलेट्स फिसलते हुए इस पोर्ट में आके इकट्ठा होने लग जाएंगे. ये हमको प्योर वाटर मिल जाएगा. ये इसकी वर्किंग है. अब अगला आता है एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट. मेनली इस इक्विपमेंट की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करेगी, एक तो ये जो इम्प्योर वाटर है ये कितना
इम्प्योर है, मीन्स इसमें इम्प्योरिटी कितनी परसेंटेज है। एक दूसरा, यहाँ पर जो सोलर वेव्स हैं वो इस पॉइंट पर कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उस पर डिपेंड करेगा, मेनली वाटर की इम्प्योरिटी, सोलर वेव। एक जो इक्विपमेंट है वो कितनी हाइट पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, टिल्टेड सतह क्या है, इन चीज़ों पर इस पर डिपेंड करेगा। मेनली इस जो ये जो प्रक्रिया है सोलर स्टील, इसको जनरली हम वहाँ पर यूज में लेते हैं जहाँ पर और एनर्जी के सोर्स ना हो और पानी को शुद्ध करना हो, तो उस जगह पर हम इसको यूज में लेते हैं। ये एक ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। थैंक यू।